बड़ी खबर, मुरली विहार कॉलोनी पहुंचे कैबिनेट मंत्री योगेंद्र उपाध्याय, पीड़ितों से मिलकर पूरी घटना की बिंदुवार ली जानकारी। आपको बता दें कि मुरली विहार में सुरक्षा व्यवस्था दुरुस्त करने के भी निर्देश दिए। पृथ्वीनाथ चौकी की कार्यप्रणाली पर लोगों ने उठाया सवाल। मंत्री बोले, योगी सरकार में अपराधी को बख्शा नहीं जाएगा। कैबिनेट मंत्री ने फोन से सीपी को बताया समूचा मामला। साथ ही मंत्री जी ने कहा कि पीड़ितों को दिलाया जाएगा मुआवजा। घरों के बाहर सड़क पर खड़े कई वाहनों में लगाई थी आग। अपराधी से पुलिस और अन्य एजेंसी कर रही है पूछताछ। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे संवाददाता विनोद जूनियर। जी विनोद, क्या है ये पूरा प्रकरण जहां पर आज योगेंद्र उपाध्याय मंत्री जी पहुंचे? देखिये, मुरली विहार कॉलोनी में दुर्घटना के पास से है, वहां पर एक कोई बाहरी व्यक्ति आता है, वो कई गाड़ियों में एक साथ आग लगा देता है। लगभग 9 कारें जलाई हैं और एक कोठी भी आग लगा दी है। ये बड़े ताज्जुब और बड़े चिंता का विषय है कि कोई बाहरी व्यक्ति आता है, सिक्योरिटी है नहीं। दुर्घटना में मुरली विहार कॉलोनी है, जो एक अच्छी कॉलोनी है, अच्छे लोग रहते वहां पर, लेकिन ये व्यक्ति क्यों गाड़ी में आग लगाया और इसने 9 गाड़ियां एक साथ जलाई, कारें जो है, मुझे लगता है कि हिंदुस्तान की पहली ऐसी घटना होगी जो इस तरह के सामने आई है, जिसमें इतनी गाड़ियों में आग लगाई गई है। बहरहाल बताया जा रहा है कि ये पानीपत का रहने वाला था और कई साल पहले यहाँ पर आके इसने कंबल वगैरह सोफा वगैरह बेचा था, उसने काम किया था। इसके बाद फिर ये मूल रूप से लखनऊ का रहने वाला है, पुलिस की पकड़ में है। इससे तमाम जो है एजेंसियां जो है जाँच की, वो इससे पूछताछ कर रही है और अभी तक कोई ऐसा मामला सामने आया नहीं है। अगर हम बात करें चिकित्सकों की, तो उन्होंने कहा कि एक पैरामेनिया की ऐसी एक बीमारी है मानसिक रूप से, और जिसकी वजह से व्यक्ति के अंदर आग लगाने की इच्छा जाहिर होती है और वो उस समय आग लगा देता है। तो ये समस्या सामने आई है, यही अभी तक मामला सामने आ पाया है गाड़ी में आग लगाने का। मंत्री योगेंद्र उपाध्याय वहां पर गए थे, शिक्षा मंत्री, उनका कहना है कि मुआवजा दिलाया जाएगा और शासन को लिखा जाएगा इस बारे में, उन्होंने नुकसान का आकलन करने की उम्मीद में लगाई थी। जी विनोद, योगेंद्र उपाध्याय जब वहां पहुंचे तो उन्होंने मुआवजे की भी बात कही है, इसमें क्या कुछ सामने आया है? देखिए, वैसे गाड़ियों का बीमा तो होता ही है, वो थर्ड पार्टी बीमा होता है और इंश्योरेंस रहता है सभी गाड़ियों का, लेकिन चूंकि एटेंडम और आपदा का मामला है, गाड़ी में आग लगाना अचानक, इस तरह घटना हिंदुस्तान शायद पहली बार इस तरह घटना सामने आई कि नौ गाड़ियों में कोई कार जला दे, सीधा आग लगा दे और सब गाड़ी जल जाए, लोग बाहर निकल के देखे तो आग से गाड़ियां धधक रही हो, तो बड़ा ताज्जुब हुआ लोगों को, लोगों ने शोर मचाया। ये बताया राजा जिसको पकड़ा गया है वो जो है मूल रूप से लखनऊ का रहने वाला है, उसका कहना है कि वो ट्रेन से करीब 2:30 बजे के आसपास आया था आगरा, वो उतरा, ऑटो में बैठा, ऑटो वाले उसका फोन और उसके पैसे छीन लिए, ये मदद के लिए बाहर दरवाजा खटखटा रहा लोगों का, तो लेकिन किसी ने दरवाजा नहीं खोला, मदद नहीं की इसकी, ये सिगरेट का जो लाइटर था उसके इसने जो है फिर गाड़ियों में आग लगा दी सीधा जो है, यही अभी तक प्रकरण सामने आ पाया है। चिकित्सकों का कहना है कि मानसिक बीमारी है जो कभी कभी उत्पन्न हो जाती है, तो दिमाग में आग लगाने की इच्छा जाहिर होती है तो उसको पूरा करता है। जी जी विनोद, कहीं ना कहीं पृथ्वीनाथ चौकी की कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठे हैं, इसमें क्या सामने आया है? नहीं, सवाल का इतना ज्यादा, देखिए पुलिस फोर्स पे हम ब्लेम नहीं कर सकते ऐसा, क्योंकि इतना ज्यादा मात्रा में जो है पुलिस फोर्स नहीं है, इतना ज्यादा मात्रा पुलिस नहीं है, लगभग 10,000-20,000 व्यक्ति के एक पुलिस आदमी है, और ये क्योंकि घटना ऐसी पहली बार है, त्रिपुरा व्यक्ति बताया जा रहा है, फोटो जो अखबार में आई है उसको देखने में लगता है कि व्यक्ति साइको टाइप का है थोड़ा सा, और इसमें बिल्कुल पता नहीं क्या है, ऐसा दिमाग सूझा कि उसने सारी गाड़ी में एक तरफ से आग लगा दी, और तो ये मामला है। और पुलिस सिक्योरिटी की बात है तो उच्च शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय ने कहा है कि वापस सिक्योरिटी बढ़ाई जाए थोड़ा सा आस पास, लेकिन जो लोग ऐसे बाहर से आते हैं थोड़ा सा उनकी नजर रखनी चाहिए, जो LI है हमारी, जो टीम है, जो जाँच एजेंसियाँ हैं, उन सबको जो नजर रखनी चाहिए ऐसे बाहरी व्यक्तियों पर, और कब कोई क्या कर जाए इसका पता तो है नहीं किसी को, लेकिन जो गाड़ियां जलाई है उनको काफी दूर से काफी अफसोस से लोग परेशान है वहां पर, लोग सुरक्षा की मांग कर रहे हैं। जी जी विनोद, बहुत बहुत धन्यवाद ये तमाम जानकारी के लिए। तो आपको एक बार फिर बता दें कि मुरली विहार कॉलोनी पहुंचे कैबिनेट मंत्री योगेंद्र उपाध्याय, पीड़ितों से मिलकर पूरी घटना की बिंदुवार ली जानकारी। घटना में हुए नुकसान की रिपोर्ट बनाने के भी निर्देश दिए। मुरली विहार में सुरक्षा व्यवस्था दुरुस्त करने के निर्देश दिए। बता दें कि पृथ्वीनाथ चौकी की कार्यप्रणाली पर
लोगों ने सवाल उठाए हैं। साथ ही आपको बता दें कि कैबिनेट मंत्री योगेंद्र उपाध्याय बोले, योगी सरकार में अपराधी को किसी भी हालत में बख्शा नहीं जाएगा। कैबिनेट मंत्री ने फोन से सीपी को बताया समूचा घटनाक्रम। साथ ही कैबिनेट मंत्री ये भी बोले कि सीएम से बात कर दिलाएंगे मुआवजा। घरों के बाहर सड़क पर खड़े कई वाहनों में लगाई थी आग। षड्यंत्र की कहीं ना कहीं इसमें सूचना सामने भी आ रही है। अपराधी से पुलिस और अन्य एजेंसी कर रही है पूछताछ। आग की घटना को लेकर क्षेत्रीय लोगों में भारी आक्रोश का माहौल व्याप्त है। सांसद एसपी सिंह बघेल भी जल्द करेंगे मौके का मुआयना और वहां पर पीड़ितों का जानेंगे हाल। अपराधी से पुलिस और कई क्षेत्रीय लोगों से वहां के क्षेत्रीय लोगों में आक्रोश का माहौल घटना से व्याप्त है। बता दें कि सांसद और कैबिनेट मंत्री एसपी सिंह बघेल भी जल्द ही मौके का दौरा करेंगे और पीड़ितों से उनका हाल जानेंगे। घटना में हुए नुकसान की रिपोर्ट बनाने के निर्देश दिए हैं। बता दें कि मुरली विहार में सुरक्षा व्यवस्था दुरुस्त करने के निर्देश दिए हैं।